हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं मनोज नायक, मेरा यूट्यूब चैनल में सबसे पहले मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज जो मेरा टॉपिक है दैट इज फ्रॉम इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। आज कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं जो वीडियो में शेयर करूंगा। जितने भी जो एस्पिरेंट है, जो जितने भी स्टेट है, सारे स्टेट लेवल का जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, सभी स्टेट के लिए, ऐसे कोई स्टेट नहीं कि उसमें छूटता है, हर स्टेट के लिए जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स है, यूपीएससी है, सीडीएस है, तुम्हारा सीजीएल ले लो, जितने रेलवेज ले लो, जितने भी कॉम्पिटेटिव टेस्ट है, चाहे ओपीएससी और ओसीएस ओडिशा सिविल सर्विसेज हो, चाहे ओपीएससी एस हो, सारे एग्ज़ाम के लिए कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं शेयर करने जा रहा हूँ। चलिए मैं क्वेश्चन जो है टॉप टू बॉटम लेके चलता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 50 से शुरू करता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रहा है, यूनियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड टू सेटअप ए प्लास्टिक पार्क इन व्हिच सिटी। यूनियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड टू सेटअप ए प्लास्टिक पार्क इन व्हिच सिटी। इसमें बोला जा रहा है कि जो हमारा यूनियन गवर्नमेंट है उसको वो एक मंजूरी दी है टू सेटअप ए प्लास्टिक जो पार्क है इन व्हिच सिटी। कौन सी सिटी में एक प्लास्टिक जो पार्क बनाने की मंजूरी दिया है हमारा यूनियन गवर्नमेंट ने। इसमें देखिए ऑप्शन में एक कोची, बी में मंगलूर, सी में इंदौर, डी में अहमदाबाद। इसका जो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी जो कि मंगलूर। मंगलूर ये जो है कर्नाटका में है। तो हमारा जो यूनियन गवर्नमेंट है इसको मंजूरी दी है, इसमें लगभग 104 एकड़ जमीन के ऊपर ये प्लास्टिक जो पार्क बनेगा और लगभग इसमें जो खर्चा है 62.77 करोड़ जो है बजट इसके लिए मंजूरी दी गई है और जो कैलकुलेशन किया गया है लगभग 62.77 करोड़ रुपया इसमें लगना है, ठीक है। और ये पैसा हमारा जो यूनियन गवर्नमेंट जो है 50% पे करेगा और 50% जो कंसर्न स्टेट पे करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट वॉज पास्ड इन व्हिच ईयर। इसमें पूछा गया है द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट वॉज पास्ड इन व्हिच ईयर, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिया गया है 1953, 1954, 1955, 1956। इसका जो सटीक उत्तर जो है ऑप्शन डी है, सटीक आंसर जो है वो है डी है, 1956 में जो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट को पास किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नारकोटिक्स ड्रग्स कंट्रोल ब्यूरो वाज एस्टैब्लिश इन व्हिच ईयर। नारकोटिक्स ड्रग्स कंट्रोल ब्यूरो वाज एस्टैब्लिश इन व्हिच ईयर। इसमें ऑप्शन में दिया है 1981, 1983, 1986, 1989। इसका जो सटीक उत्तर है यह है 1986। इसका सटीक उत्तर जो कौन सी है, 1986 में नारकोटिक्स ड्रग्स कंट्रोल ब्यूरो को एस्टेब्लिश किया गया है हमारा इंडिया में, ठीक है, ओके। और ये जो जो एस्टेब्लिश हुआ और ये जो पास हुआ ये हुआ 1985 में इसको पास हुआ, ठीक है। जो नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, नाइको जो नारकोटिक्स जो ड्रग्स का है और जो साइकोट्रोपिक जो सब्सटेंसेस एक्ट है वो एक्ट पास हुआ 1985 में बट उसको एस्टेब्लिश किया गया 1986 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल वेलफेयर बोर्ड वाज एस्टेब्लिश इन व्हिच ईयर। एनिमल वेलफेयर बोर्ड वाज एस्टेब्लिश इन व्हिच ईयर। इसमें आप देख सकते हैं जो ऑप्शन दिया है 1962, 1963, 1964, 1965, जिसका सटीक जो आंसर है वो है 1962 में एनिमल वेलफेयर बोर्ड को एस्टेब्लिश किया गया था बट ये जो एनिमल्स एक्ट है, जो एक्ट है अंडर सेक्शन 4 जो एक्ट जो उसमें एक्ट का जो मतलब मंजूरी दी गया है वो है अंडर सेक्शन 104 द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960। कब ये एक्ट का मंजूरी दे दिया, 1960 में दे दिया,
1960 में दिया गया अंडर सेक्शन फोर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960, ठीक है, और इसको एस्टैब्लिश कर दिया गया 1962 में, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑल एग्जाम के लिए है, जितने भी हाई लेवल एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ के ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ईयर नीति आयोग केम इन टू बींग, मतलब नीति आयोग जो है कौन सी साल में जो इफेक्टिव हो गया, कार्यरत हो, मतलब वो कार्यक्षम हो गया है, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिया गया 2014, 2015, 2016 एंड 2017। इसका जो सही आंसर है दैट इज 2015 में हमारा जो नीति आयोग है वो सक्षम हो गया था कार्य करने में, ठीक है, एस्टेब्लिश हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन थे। ऑप्शंस के में दिया के संतानम, बी में एके चंदा, सी में केसी नियोगी, डी में महावीर त्यागी, ठीक है। इसका जो सटीक आंसर है, वो है ऑप्शन सी है केसी नियोगी, ठीक है। और वो कब हुए थे, 1951 में केसी नेगी वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन लागू हुआ था 1951 में और उसका फर्स्ट चेयरमैन थे केसी नियोगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज ऑथराइज टू डिटरमाइन द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन एंड द मैनर इन व्हिच दे शुड बी सिलेक्टेड। इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन जो है डिटरमाइन करता है द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन, जो फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर्स रहेंगे उनका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, उनका मैनर्स क्या रहेंगे, ये कौन जो है डिटरमाइन करता है, या कौन चेकआउट कर चेक मतलब उसको उसको क्या करता है, डिटरमाइन करता है, ठीक है, ओके। इसमें दिया है ऑप्शन ए में सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी पार्लियामेंट, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर एंड ऑप्शन डी यहाँ पे मिट चुका है प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इसमें इसका जो सटीक आंसर है फ्रेंड्स वो है पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट है वो डिटरमाइन करता है द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन एंड द मैनर्स व्हिच दे शुड बी सिलेक्टेड, कौन सी बेस पे उनको सिलेक्शन की जाएगी, ठीक है। चलिए व्हाट इज द नेम ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हम पील कहते हैं, आप लोग सभी ने सुना होगा, बहुत सारे लोग पील करते रहते हैं, पील फाइल कर दिया। तो ये जो पील है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, ठीक है। पब्लिकली किसी चीज़ कोई चीज़ अगर लगता है कि गलत हो रहा है, पूरा मैक्सिमम पब्लिक को अगर लगता है जो ये जो है काफ़ी लोगों के लिए गलत साबित होगा कोई भी एक्शन, तो उसके अगेंस्ट में किसी भी व्यक्ति जो है कोर्ट में पील फाइल कर सकता है, पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकता है। तो इसमें पूछा गया कि उसका अदर नेम्स और क्या क्या है, जिसमें ऑप्शन में दिया है क्लास एक्शन लिटिगेशन, बी में सोशल एक्शन लिटिगेशन, सी में सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड डी में ऑल ऑफ द अबव। इसका जो सटीक उत्तर है ये तीनों है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसको तीनों नाम से भी बुलाया जाता है, ये जो नीचे दिए गए तीनों नाम से क्लास एक्शन लिटिगेशन भी बोला जाता है, सोशल एक्शन लिटिगेशन भी बोला जाता है, सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन भी बोला जाता है, और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी होता है, ठीक है। तो सटीक जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ द अबव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल एस्पिरेंट्स। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द ग्राउंड्स ऑन व्हिच नेशनल इमरजेंसी बी डिक्लेयर्ड। इसमें पूछा गया है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल एग्जामिनेशन, हमें पता होना जरूरी है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द ग्राउंड्स ऑन व्हिच नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड, मतलब ऐसा कौन सी परिस्थिति में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे कौन सी सिचुएशन देश के अंदर होता है जिसमें नेशनल इमरजेंसी जो है डिक्लेयर की जा सकती है। उसमें ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन वन में एक्सटर्नल एग्रेशन, ऑप्शन टू में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, ऑप्शन थ्री में आर्म्ड रिवेलियन, ऑप्शन फोर में कम्युनल राइट्स।
अच्छा, ये जो ऑप्शन फोर है दैट इज कम्युनल राइट्स, दैट मीन्स जो सामुदायिक सांप्रदायिक दंगे होते हैं, किसी कम्युनिटी के साथ, किसी कम्युनिटी के साथ झगड़ा हो गया, हिंदू मुस्लिम के साथ या और किसी कम्युनिटी से किसी कम्युनिटी, इसको बोलते हैं कम्युनल रियट्स। ठीक है, बाकी जो इंटरनल पॉइंट टू की बात करूँ तो इंटरनल डिस्टर्बेंस, ये इंटरनल डिस्टर्बेंस को संभालने के लिए हमारा स्टेट पुलिस, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। इंटरनल डिस्टर्बेंस में हमारे देश को संभालना होता है, उसमें नेशनल इमरजेंसी की बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन टू एंड फोर ये दोनों नहीं है, इसमें नहीं आते हैं। ऑप्शन है जो एक्सटर्नल एग्रेशन है, जो एक्सटर्नल एग्रेशन है दैट मीन्स दैट इज द अटैक फ्रॉम आवर टेरिटोरीज कंट्रीज, जो हमारे पड़ोसी मुल्क है उनसे हमारी जो विपदा है, उनसे जो हमारी लड़ाई है, वो एक्सटर्नल एग्रेशन के अंतर आता है। ठीक है, और दूसरा आर्म्ड रिबेलियन, अगर एक्सटर्नल एग्रेशन होगा तो आर्म्ड रिबेलियन भी होगा, ये दोनों चीज़ होंगे। तो इन दोनों केस पे, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन, दोनों केस पे जो है नेशनल इमरजेंसी जो है बुलाया जा सकता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी 1 और 3, ऑप्शन डी जो है 1 और 3, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन, ये दोनों क्षेत्र में जो है नेशनल इमरजेंसी बुलाई जा सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एस्टैब्लिश इंटर स्टेट काउंसिल, इसमें दिया ऑप्शन है पार्लियामेंट, बी द वाइस प्रेसिडेंट, सी द प्रेसिडेंट, डी द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इसका जो सटीक उत्तर है वो है सी प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट है वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं इंटर स्टेट काउंसिल को, वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल नंबर 263 में इसका जो है अप्रूवल है, जो आर्टिकल नंबर 263 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें उसका अप्रूवल दी गई है, उसमें उनको पावर दी गई है जो प्रेसिडेंट को, ही कैन एस्टैब्लिश एन इंटरस्टेट काउंसिल। और इंटरस्टेट काउंसिल को स्थापित करने का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो है ये है, बिटवीन द स्टेट्स कोऑपरेशन, जो कोऑपरेशन को जो है बढ़ाना है बिटवीन द स्टेट्स एंड इन बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर्स, इसका जो मेन जो है थीम है। ठीक है, जो मेन मतलब मुख्य लक्ष्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमेंडमेंट एम्पावर द सेंटर टू डिप्लॉय इट्स आर्मर्ड फोर्सेस इन एनी स्टेट टू डील विथ ए ग्रेव सिचुएशन ऑफ लॉज एंड ऑर्डर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए व्हिच अमेंडमेंट एम्पावर्ड, कौन सी ऐसा अमेंडमेंट है जो कि एम्पावर्ड करता है सेंटर को पावर दी है टू डिप्लॉय इट्स आर्म्ड फोर्सेस इन एनी स्टेट टू डील विथ ए ग्रेव सिचुएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर्स। इसमें ये बताया जा रहा है कि सेंटर को कौन सी अमेंडमेंट के तहत, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो है उनको पावर दी गई है, वो डिप्लॉय कर सकता है किसी भी स्टेट में आर्मर्ड फोर्स को डिप्लॉय कर सकता है टू डील विथ द ग्रेव सिचुएशन। अगर ऐसा सिचुएशन आता है जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कंट्रोल नहीं हो रहा है, या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से वहाँ की जनता, जो मोस्ट ऑफ द पीपल, मैक्सिमम परसेंटेज द पीपल जो है संतुष्ट नहीं है और वो मांग कर रहे हैं, ठीक है, जो प्रेसिडेंट रूलिंग का मांग कर रहे हैं या गवर्नमेंट चेंज का मांग कर रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में सेंटर को पावर दी गई है जो अमेंडमेंट एक्ट है दैट इज 42nd अमेंडमेंट 1976। ये जो अमेंडमेंट एक्ट है यह 42nd अमेंडमेंट 1976 एक्ट में सेंटर को ये पावर दी गई है जो कि डिप्लॉय कर सकता है आर्मर्ड फोर्सेस को किसी भी स्टेट में इन द ग्रेव सिचुएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नेवर अटेंड द पार्लियामेंट ड्यूरिंग हिज टेन्योर। इसमें पूछा गया ऐसे कौन सी प्रधानमंत्री जो हमारा भारत की प्रधानमंत्री रहे हैं बट उनका पूरी टेन्योर में वो पार्लियामेंट अटेंड नहीं कर पाए। ठीक है, व्हिच इज द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नेवर अटेंड द पार्लियामेंट ड्यूरिंग हिज टेन्योर, उनका पूरी टेन्योर में उन्होंने पार्लियामेंट अटेंड नहीं कर पाया। देखिए इसमें ऑप्शन, ये जो चौधन दिया है चौधरी, ये चौधरी है चौधरी चौहान सिंह, ऑप्शन है बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी वीपी सिंह और डी चंद्रशेखर। इसमें जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, जो कि चौधरी चरण सिंह जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो कि 28 जुलाई 1979 से 15 जुलाई 1980 तक वो हमारी देश के प्रधानमंत्री रहे, बट उन्होंने एक भी पार्लियामेंट
पार्लियामेंट जो है उन्होंने अटेंड नहीं कर पाया, ठीक है। पार्लियामेंट में लोकसभा लोकसभा जो सिटिंग है वो अटेंड नहीं कर पाया। उसका सबसे बड़ी कारण था, उससे पहले जो हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उनसे सपोर्ट विड्रॉ कर लिया, उनका जो सपोर्ट पे जो जो इनका गठबंधन जो सरकार था, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उनका जो सपोर्ट जो है विड्रॉ कर लिया, जिस वजह से इन्होंने इनका प्राइम मिनिस्टर की जो पदवी छूट गई, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्टर्स नीडेड टू बी प्रपोजर ऑफ द प्रेसिडेंट कैंडिडेट, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। इसमें बताया जा रहा है मिनिमम कैंडिडेट्स जो है कितने होने चाहिए प्रपोजर, प्रस्तापक, प्रस्तापक जो होना चाहिए एक प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए, एक प्रेसिडेंट कैंडिडेट को चयन करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए कितने मेंबर, मिनिमम कितने मेंबर का प्रस्ताव होना जरूरी है। इसमें ऑप्शंस दिया गया 50 इलेक्टर्स होना चाहिए, 55 इलेक्टर्स, 60 इलेक्टर्स एंड 65 इलेक्टर्स, बट इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए है, 50 इलेक्टर्स होना चाहिए, 50 प्रपोजर उनका होना चाहिए, 50 सब्सक्राइबर उनका होना चाहिए, प्रपोजर होना चाहिए और उसके साथ साथ 50 सेकेंडर्स भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस के अंदर 50 इलेक्टर्स इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज एंड हजारस इंडस्ट्रीज। इनमें से कौन सा आर्टिकल के तहत जो छोटे बच्चों का एम्प्लॉयमेंट, जो काम को लेकर जो प्रोहिबिट्स किया, छोटे बच्चे काम नहीं कर सकते बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स जो बच्चे हैं वो किसी भी फैक्ट्री में या हजारस इंडस्ट्री में वो काम नहीं कर पाएंगे, ये कौन सी आर्टिकल में उसको प्रोहिबिट किया गया है, ठीक है। इसमें जो आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल नंबर 24, ये देख सकते हैं आर्टिकल 22, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, आर्टिकल 25, ये है इसका राइट जो आंसर है। यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिकल 24 है, आर्टिकल 24 के तहत जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज एंड हजारस फैक्ट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ प्रेसिडेंट टू पार्डन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी मैं व्यूअर्स को बता दूं, जितने भी इसमें क्वेश्चंस है पूरे सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो है मैं लेके आया हूँ, इसमें आप देख सकते हैं जो सीरियल नंबर बिल्कुल मतलब कंटिन्यूस नहीं है, इसलिए सिलेक्टेड क्वेश्चन को मैं छांट छांट के आप लोगों के लिए लेके जो है शेयर करने वाला हूँ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू पार्डन, जो हमारा प्रेसिडेंट है उनका पावर जो पार्डन मतलब जो क्षमा प्रार्थना जो क्षमा मतलब जो जो पनिशमेंट मिला है, जो लोग पनिशमेंट खा रहे हैं उनको क्षमा प्रार्थना अगर प्रेसिडेंट करेंगे तो क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, क्या कौन सी इसमें नहीं कर सकते, कौन सा उनका पावर में नहीं है। देखिए सबसे पहला ऑप्शन है पार्डन, उनको क्षमा दे सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं। कम्यूटेशन उनका जो क्या बोलते हैं उसको उनका जो पनिशमेंट की जो समय सीमा है उसको बदल सकते हैं, कम्यूटेशन रिमिशन उसको कम कर सकते हैं या उनका पनिशमेंट को बदल सकते हैं। बट इसका जो राइट आंसर है जो ऑप्शन फोर, ये यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑप्शन फोर है कंटिन्यूएशन, ये कंटिन्यूएशन नहीं कर सकते। मतलब अगर सज़ा मिल रहा है, अगर किसी को कोर्ट ने 5 साल की सज़ा सुनाई है तो ये यानी कि 5 साल कर रहा है, 5 साल के बाद उसको और कंटिन्यू कर सकते हैं, ये पावर राष्ट्रपति को नहीं है, 5 साल के बाद और भी कंटिन्यू कर दो ये पावर नहीं है। ये उनको टोटली उनको एक्सक्यूज कर सकते हैं, मतलब उनका सज़ा मुक्त कर सकते हैं। अच्छा, कम्यूटेशन और रिमिशन कम कर सकते हैं या उनका सज़ा को बदल सकते हैं, ये तीनों चीज़ वो कर सकते हैं, पार्डन कम्यूटेशन और रिमिशन ये तीनों चीज़ वो कर सकते हैं, सिर्फ वो कंटिन्यूएशन ये नहीं कर सकते, ठीक है, ये राष्ट्रपति के पावर में नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फॉलो फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, इनमें से नीचे दिए गए जो कंट्रीज है इसमें से कौन सी कंट्रीज जो फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं जो फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट होता क्या है, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट होता है उनका पावर्स जो है डिवाइड हो जाता है बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट, जो रीजनल गवर्नमेंट और जो नेशनल गवर्नमेंट है उन दोनों के बीच में पावर्स क्या होते हैं डिवीजन हो जाता है, डिवाइडेड हो जाता है जो फेडरल गवर्नमेंट में। सो यहाँ पे देखिए ब्रिटेन है, अर्जेंटीना है, जापान एंड चाइना,
तो इसमें से कौन सी देश जो है फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो कर रहा है? इसका सटीक जो आंसर है ऑप्शन बी, जो कि अर्जेंटीना है, वो फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल एडिवियर्स टू सेपरेट द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव? इसमें ये बताया जा रहा है कौन सी आर्टिकल जो है सेपरेट कर रहा है जो हमारे जुडिशियरी सिस्टम है, जो हमारा कोर्ट कचहरी है, उसको फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूटिव चैनल है, फ्रॉम जो रूलर्स होते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो रूलिंग पावर से उससे अलग करता है जुडिशियरी को, हमारा जो रूलिंग एडमिनिस्ट्रेशन है उससे अलग करता है, तो वो कौन सी आर्टिकल है? ठीक है, अच्छा, आर्टिकल 44, आर्टिकल 49, आर्टिकल 39, आर्टिकल 50। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है आर्टिकल, इसका जो सही आंसर है वो दैट इज आर्टिकल 50। जो आर्टिकल 50 जो है ये टू सेपरेट, ये सेपरेट करता है द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करता है। अगर जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव अगर अलग नहीं होंगे, इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, देश में बहुत सारे क्रांति आ जाएगा, किसी भी बंदे को तकरीबन 99% किसी भी इंसान को न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 50 के तहत जो सेपरेशन जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव दोनों को सेपरेट करके रखे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड एज द रिटर्निंग ऑफिसर इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन? किसको जो है अपॉइंट किया जाता है एज ए रिटर्निंग ऑफिसर इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन? जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होते हैं उसमें रिटर्निंग ऑफिसर की तौर पे किसको नियुक्ति दी जाती है? ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर, बी में लोकसभा सेक्रेटरी जनरल, सी में लोकसभा स्पीकर, और डी में ए पर्सन नॉमिनेटेड बाय द इलेक्शन कमीशन। बट इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, वो है ऑप्शन बी, लोकसभा सेक्रेटरी जनरल। लोकसभा सेक्रेटरी जनरल को जो अपॉइंट की जाती है एज ए रिटर्निंग ऑफिसर इन प्रेसिडेंट इलेक्शन, सिर्फ लोकसभा सेक्रेटरी जनरल नहीं है, राज्यसभा सेक्रेटरी जनरल को भी की जाती है, मतलब उनको बारी बारी करके की जाती है, बट यहाँ पे राज्यसभा दिया नहीं है तो लोकसभा है, तो हम लोकसभा को चयन करेंगे। ठीक है, तो लोकसभा जो है अपॉइंट करता है, लोकसभा जनरल सेक्रेटरी जो है ना, सेक्रेटरी जनरल जो है अपॉइंट होते हैं एज ए रिटर्निंग ऑफिसर्स फॉर द प्रेसिडेंट इलेक्शंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग यूनियन टेरिटोरी हैड ए जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट? ऐसे कौन सी जो यूनियन टेरिटोरी है जिसमें जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट है? ठीक है, अच्छा, ये जो जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट है ये जो एक यूनियन टेरिटोरीज होता है, सबसे हाईएस्ट कोर्ट होता है, एक जुडिशियल कमीशन कोर्ट होता है जिसमें किसी भी केस को हम रिवीजन कर सकते हैं और अपील कर सकते हैं। किसी भी अगर किसी जो लोअर लेवल की जो कोर्ट है उसमें अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप जो है कमिश्नर कोर्ट में, जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट फॉर ऑल टेरिटोरी यूनियन टेरिटोरीज, सो इसमें हम अपील कर सकते हैं या किसी जो दिए गए जो डिसीजन को हम वहाँ रिवीजन भी हो सकता है, बदला भी जा सकता है। ठीक है, और ये कहाँ पे है, ये इसका जो सटीक आंसर है जैसे दिया ऑप्शन है पांडिचेरी, अंडमान निकोबार, डामन दीव एंड लक्षद्वीप। इसका जो सही आंसर है वो यह है डामन दीव है, डामन दीव में जो है जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ नागालैंड, मेघालय, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश स्टेट असेंबलीज। इनका स्टेट में जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय एंड नागालैंड, इनका जो स्टेट असेंबली में जो शेड्यूल्ड ट्राइब को उनको स्पेशल रिजर्वेशन दी गई है, वो कौन सी जो अमेंडमेंट एक्ट है, किसकी कौन सी एक्ट के तहत दी गई है? देखिए, 52nd, 57, 61, 61st एंड 65th, ठीक, 65। अच्छा, इसका जो सटीक आंसर ऑप्शन बी है वो है 57th एक्ट में अमेंडमेंट, 57th अमेंडमेंट एक्ट 1987, जो कि 1987 में इसको जो अमेंडमेंट की गई थी वो 57th अमेंडमेंट एक्ट 1987 के तहत जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है नागालैंड, मेघालय, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश स्टेट असेंबली में उनको रिजर्वेशन, स्टेट असेंबली में उनको रिजर्वेशन दी गई है। ठीक है, ये जो स्टेट है चारों स्टेट में इनका स्टेट असेंबली में शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन दी गई है इन्हें अमेंडमेंट के तहत।
चलिए देखिए, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। न्यू ऑल इंडिया सर्विस कैन बी इनिशिएटेड इन इंडिया ओनली इफ द फॉलोइंग मेक्स रिकमेंडेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर ऑल टाइप ऑफ एस्पिरेंट्स, चाहे यूपीएससी, सीडीएस, सीजीएल, किस रेलवे, हर एक के लिए है। तो न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज कैन बी इनिशिएटेड, इनका जो प्रश्न में ये पूछा गया है, जो अगर कोई नई जॉब का शुरुआत अगर इंडिया में करना है, नई वैकेंसी, नई जो जॉब अगर मान लो शुरू करना है इंडिया के अंदर, उसका मंजूरी जो है कौन रिकमेंडेशन दे सकता है, उसको रेकमेंड कौन कर सकता है उस चीज़ को, ठीक है। अगर शुरुआत करना है किसी भी नया जॉब का शुरुआत इंडिया के अंदर करना है, उसका रिकमेंडेशन कौन कर सकते हैं। इसमें प्रेसिडेंट ए में दिया प्रेसिडेंट, बी में राज्यसभा, सी में लोकसभा और डी में काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। बट इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, राज्यसभा। ये राज्यसभा के पास ये पावर दी गई है, राज्यसभा को पावर दी गई है अगर भारत में कहीं भी नई जॉब का शुरुआत करना है, उसका रिकमेंडेशन राज्यसभा कर सकती है। और ये आर्टिकल नंबर 312 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है, राज्यसभा के पास ये पावर आर्टिकल नंबर 312 के तहत राज्यसभा को दिया गया है। इसके साथ मैं उम्मीद करता हूँ जितना मेरा एक्सपीरियंट है, जो मेरा व्यूअर्स है, मेरा वीडियो शायद आप लोगों को अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब या शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मैं जो मेरा नेक्स्ट जो कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में लेके आऊँगा, यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।